क्या नाम है आपका मदन खरवार बाप का नाम क्या है श्री सुखल खरवार कहाँ घर पड़ता है छोटका जेठा है छोटका जेठा है तो ये जो शौचालय बनाया गया है हाँ। ग्राम प्रधान द्वारा जो, जो सरकार की जो सुविधा दी गई है तो ये अब तक बनकर क्यों नहीं शौचालय तैयार हुआ ऐसा गड्ढा कह लो कोड़े के अपने हाथ में गढ़ा को देख रहे ना सामने दो दो गढ़ा है अपने हाथ से कोड़े हैं उसका पैसा भी नहीं मिला हमको है ईंटा कहे लोग ईटा ढोकर लाओ बन जाएगा ईंटा ढोकर द्वार पर रखा था ला करके वो भी उठवा ले गए लोग है नहीं बना हम किसी से कम मजदूरी करें किसी से मार कर न जाएंगे सरकारी व्यवस्था है प्रधान जी कहते हैं बनेगा बनेगा वो जल्दी ही बनेगा आज तक बनता रह गया तो क्या इसे शौचालय से, से संबंधित क्या आपसे पैसा भी मांगा गया था जी नहीं पैसा के लिए हम बात नहीं करते पैसा पैसा हमसे नहीं मांगा मांगा गया था जी लेकिन ये जब ये गड्ढा ये शौचालय के लिए बनाया गया जी ठीक है तो क्या यहाँ पे इस इस जगह पे शौचालय बनाने के लिए ईंट या बालू ओलू रख आया ईंट ढोकर लाया केवल ईंट ढोकर के लाया था वो बोले थे ईंट ले चलो बन जाएगा ईंट ब्ला करके द्वार पर रखा था हुँ. नहीं मिस्त्री आए कोई नहीं बालू गिरा नहीं कुछ वैसे फिर वापस ईटा वापस चला तो गया तो ईटा क्या हुआ यहाँ का ईट क्या हुआ चप्पल उठवा ले गए कहीं और चले लेकर चले गए कौन उठा ले गए प्रधान जी कौन है ग्राम प्रधान आपके इस वक्त भोला प्रधान है ललन प्रधान ले गए थे भाई अच्छा भोला प्रधान इस वक्त है लेकिन अभी भी आप लोग का शौचालय बना इनसे भी कितने बार बोले हैं तो क्या कहा, इन्हों कहा ग्रामीण बन जाएगा, बन जाएगा। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आपको आवास मिला था उसका पैसा आया तो उस पैसे में बताया जा रहा है सूत्रों द्वारा की उस पैसे का प्रधान द्वारा दुरुपयोग किया गया कौन प्रधान है आपके ललन प्रधान थे इस वक्त कौन प्रधान है बोला बोला तो कौन थे कि आपसे पैसा ले लिए ललन प्रधान कितना पैसा ले लिए तीस हजार रुपया जबन आपसे ले लिए हाँ। और क्या कहा क्या कहा है?